नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। देवरिया जिले के बघोच घाट थाना अंतर्गत रामपुर महुआबारी गांव के चौराहे पर सीमेंट की दुकान पर उस समय हड़कंप मच गया जहां गांव के ही एक व्यक्ति की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देवरिया भेज दिया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्रा का कहना है कि व्यक्ति की पहचान राजेंद्र यादव पुत्र परमा यादव के रूप में हुई है। वहीं शव के पास से एक कट्टा बरामद हुआ है। फिलहाल इस घटना की छानबीन की जा रही है। जनपद के थाना बघोच घाट के ग्राम रामपुर महुआबारी में आज सवेरे सूचना मिली कि गांव के बाहर एक खान साहब का कटरा है, उसमें एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि उनकी कनपट्टी पर गोली लगी है। गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई है। 60 साल उम्र है उनकी, राजेंद्र नाम है उनका, और बगल में एक कट्टा रखा हुआ है। ये प्रकरण हत्या का है या आत्महत्या का है, इस संबंध में पुलिस विवेचना कर रही है। उनके लड़के कल थे नहीं, बाहर गए हुए थे, आज सवेरे आ गए हैं। उनसे तहरीर प्राप्त हो रही है। प्राप्त तहरीर के अनुसार पर संगत धाराओं में भी पंजीकृत करके विवेचना कराई जाएगी।